अगर हम बात करेंगे सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के टक्कर के बीच में कि इन दोनों में से कांग्रेस में जो दो बड़े बड़े लीडर्स है सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार, ये बता दीजिए, देखिए 130 सीटें से लेकर सिद्धरामैया की ओर से तो 150 तक का दावा कर दिया गया। उन्होंने कहा 130 तो हमें मिल ही रही है, लेकिन 150 तक भी आंकड़ा अगर चला जाए तो इसमें हैरान हम नहीं होंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच में अब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी एक तरह की खींचतान चलेगी। अगर एग्जिट पोल के नतीजे ही एग्जैक्ट होते हैं तो सिद्धरामैया की ओर से सीएम को लेकर क्या कोई बयान दिया गया है? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होगा अगर बनती है कांग्रेस की सरकार? तो जी बिल्कुल, हम अगर देखे जाएंगे तो ये दो लीडर्स हैं सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स हैं और सीनियर नेताएं हैं कांग्रेस में। कर्नाटका इलेक्शंस और कर्नाटका स्टेट को अगर हम देख लेंगे तो इस इलेक्शंस के मुकाबले हम ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से इन दोनों के बीच में भी कई सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हुए थे कि इन दोनों के बीच में अभी सीएम कैंडिडेट कौन बनेगा, और कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस अभी बाहर दिखाई दे रहा है कि हम बिल्कुल मेजोरिटी से जीतेंगे, 130 से आगे भी जाकर हम जीतेंगे। तो अगर कांग्रेस जीत चुकी है तो इसका एक और सवाल उठता है कि इन दोनों में से सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच में कौन बनेगा मुख्यमंत्री कर्नाटका का। तो ये इस सवाल का जवाब, लेकिन जब आंकड़े कांग्रेस पार्टी के फेवर में आएंगे तभी कांग्रेस के सामने ये सवाल होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हालांकि नेताओं के अपने अपने दावे हैं, कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है तो बीजेपी भी हार मानने को तैयार नहीं है। आंकड़ों पर सभी की निगाहें, बीजेपी का कहना है प्लान बी भी तैयार है। लेकिन बजरंग बली का मुद्दा किस तरह से पूरे की पूरे चुनाव में जबरदस्त तरीके से छाया रहा, बजरंग दल पर बैन लगाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में क्या कही, उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने जय बजरंग बली का नारा बुलंद करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि बजरंग बली पर बैन लगाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। तो वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हुए नजर आए, जय बजरंग बली तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। अब बजरंग बली का आशीर्वाद आज शनिवार को किसको मिलता है ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। लेकिन इस मुद्दे पर किस तरह की सियासत हुई नेताओं को सुनते हैं। रामन बंट आंजनेय देवस्थान एला कड़े ना कूड़ा आंजनेय देवस्थान आंजनेय दलद भक्तरू ना ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಜನತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಚೆಹರಾ ಜಾನ್ ಚುಕಿ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಕಿ ರಾಜನೀತಿ ಜೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ತಿ ಹೈ ಇಸ್ಕಾ ಮೂಹ ತೋಡ್ ಜವಾಬ್ ಭಿ ಮಿಲೇಗಾ ದೂಸರಾ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಕಾ ಅಪಮಾನ ನಹೀ ಸಹೇಗಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಔರ್ ಮೋದಿ ಜೀ ಕೋ ಮೌತ್ ಕಾ ಸೌದಾಗರ್ ಕಹನಾ ಬಿಚ್ಚೂ ಕಹನಾ जहरीला सांप कहना, नाली का कीड़ा कहना और मोदी तेरी कब्र खोदेगी, इस तरह की भाषा का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। जनता ने पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया और वोट की चोट कर्नाटक की जनता भी देगी और कांग्रेस को फिर बाहरी रखेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वायदे, कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है। कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है उनके पैर कांप रहे हैं और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस ने भारत की राजनीति में एक और बीमारी पैदा कर दी है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर, अपने इकोसिस्टम के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ती है।